आप भी अगर स्पाइसी खाने के शौकीन हैं तो ये नूडल्स आप ही के लिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। नूडल्स तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ शेजवान नूडल्स। ये हॉट एंड स्पाइसी तो टेस्ट में है ही, इसकी रेसिपी भी बिल्कुल डिफरेंट है। नूडल्स बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। नूडल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम नूडल्स, पनीर, हरी मिर्च, एक प्याज, दो टमाटर जिसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, शिमला मिर्च, गाजर, दो चम्मच शेजवान चटनी, सिरका, लाल मिर्च, नमक और ये लहसुन की दो तीन कलियां हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है। सब्जियों को नूडल्स के लिए हमेशा पतला और लंबा काटें जिससे कि जब फोक से नूडल खाई जाएं तो सब्जियां भी साथ में इजीली खा सकें। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए हम एक चौड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें हम पानी बॉईल करेंगे, उसमें हम एक चम्मच नमक और दो चम्मच ऑयल डालेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब जो हमने नूडल्स ली हैं हम इसमें डाल देंगे। हमने चौड़ा बर्तन इसीलिए ही लिया है ताकि हमें नूडल्स को कम से कम तोड़ना पड़े और रिज़ल्ट में नूडल्स हमें अच्छे लंबे मिलें। 3 से 4 मिनट में ही नूडल्स बॉईल हो जाएंगे। और नूडल्स को हमें 100% नहीं पकाना, हमें इन्हें 80-85% ही पकाना है ताकि ये खिले खिले बने। अब हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे स्ट्रेन कर लेंगे और ऊपर से हम इसके खूब सारा ठंडा पानी डालेंगे। अब हम सबसे पहले इसके लिए ग्रेवी रेडी करेंगे। इसके लिए पैन में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और जो हमने टमाटर 2 ग्राइंड करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम स्लो ही रखेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे फिर से। जब ये टमाटर थोड़े से पक जाएंगे तब हम इसमें 2 चम्मच भर के शेजवान चटनी डाल देंगे और 3 से 4 चम्मच हम इसमें विनेगर यानी कि सिरका डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ताकि जो ये टमाटर इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 4 मिनट में हमारी ये ग्रेवी बनके रेडी हो गई। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, हमें इसे इसी तरह से यूज़ करना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे ऑयल को हम अच्छे से हर तरफ फैला देंगे ताकि हमारे नूडल्स इसमें चिपके ना। इसमें हम 2 से 3 क्लोव्स गार्लिक डाल देंगे। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। हरी मिर्च डाल देंगे। जब ये हल्का सा पक जाएगा हम इसमें 1 प्याज लंबा कटा हुआ डाल देंगे, 1 शिमला मिर्च डाल देंगे। सब्जियाँ अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, आप इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें गाजर भी डाल दी। इसे हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर ही 1 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर देंगे और जो हमने नूडल्स बॉईल की थी वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए नूडल्स कैसे खिली खिली बनी है। अब हमने जो ग्रेवी रेडी की थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसी से ही इसका ज़्यादा टेस्ट, कलर और स्पाइसनेस आएगी। हम इसमें एक मैगी मसाला का पाउच डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और ये अजीनोमोटो है, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाला और सारी नूडल्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। हम इसे हाई फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर बना है। वैसे ये तो बहुत स्पाइसी है लेकिन अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च कम भी डाल सकते हैं या हरी मिर्च भी अवॉइड कर सकते हैं। नूडल्स हमारे बनकर एकदम रेडी हैं। ये देखिए कितने खिले खिले और अच्छे नूडल्स बने हैं। इसे मैंने सिरके में ग्रीन चिली डालकर उसके साथ सर्व किया है और ऊपर से मैंने स्प्रिंग अनियन से इसे गार्निश किया है। हमारी टैंगी सी स्पाइसी सी शेजवान नूडल्स सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।